अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और स्थानीय लोगों द्वारा कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और उन्होंने नमन किया। इस दौरान महिलाएं, पुरुष और युवाओं ने काफी संख्या में हिस्सा लिया। कैंडल मार्च शहीदी चौक से होते हुए मुखर्जी चौक में आकर संपन्न हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मयंक बगोत्रा ने कहा कि पुलवामा में आतंकी हमलों में शहादत पाने वाले जवानों का बदला केंद्र सरकार और हमारे जवान ले। जो हमारे कठुए का समाज है वो उनको श्रद्धांजलि दे सके। और आज जो यहाँ पे युवाओं की भीड़ देख रहा हूँ मैं, तो एक चीज में मोदी जी को आश्वस्त करता हूँ कि युवाओं ने अपनी दिशा तय कर ली है। और अक्सर एक चीज कहते हैं कि संघर्षों के साए में बेखौफ जवानी पलती है, संघर्षों के साए में बेखौफ जवानी पलती है। उस और जमाना चलता है जिस और जवानी चलती है, जिस और जवानी चलती है। कम से कम हम लोग अपने घर में अपने बच्चों को, हमारी माता यहाँ खड़ी है, हम लोग ये सारे सहयोग देने का। हिंदू हितों का हनन हुआ तो हिंदू हितों का हनन हुआ तो। नमस्कार, मैं अंक बगोत्रा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांत स्टूडेंट पार्ट डिपार्टमेंट कन्वीनियर। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कठुआ द्वारा जो पुलवामा में 14 तारीख को जो हमारे 42 जवान शहीद हुए थे, उसी के साथ उसके दूसरे दिन 16 को जब हमारे जवान शहीद हुए थे, जो आज कश्मीर के अंदर हमारे जवान शहीद हुए हैं, उन सबके मेरा शाश्वत नमन है। और उनको याद करते हुए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कठुआ ने एक मार्च निकाला शहीदी चौक से मुखर्जी चौक में। और जो हमारा ये मार्च निकालने का जो हमारा मेन मकसद था कि उन जो वीर सपूत भारत माता के वो लाल जिन्होंने शहादत दी है देश के लिए, उनको उनकी याद के लिए और उनकी आत्मा की शांति के लिए। और जो हमारा हमारा जो समाज बाहर नहीं निकल रहा अपने घरों में घुसा हुआ है, उनको जगाने के लिए। और मोदी जी से आखिर में यही आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द कुछ एक्शन करे, नहीं तो आने वाले समय में हमें और उग्र तरीके से हमें आना पड़ेगा। और मैं मोदी जी को एक बात और बोल देना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं, देश का युवा आपके साथ, आप कार्रवाई करिए और उसके लिए हम हर तरह का आपको सहयोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम अखिल पाठक, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर कार्यालय मंत्री। आज जो हमने कैंडल मार्च निकाला अपने जो पुलवामा में हमारे सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए हैं उनकी शहादत में, और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उन सभी की आत्मा को शांति दे। और मैं एक बार फिर से केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि हमें उस जैश ए मोहम्मद के कमांडर के मसूद अजहर से हमें चाहिए। अरुण त्रिसल, अलर्ट इंडिया न्यूज़।